الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों और मोहतरमा माएँ और बहनें, इस आयत करीमा की मातब्दी में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उनवान के तहत रजब महीने की मुनासबत से मेराजुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहलू इख्तियार करते हुए पिछले जुमा में सफर मेराज की पहली मंजिल मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तलक की जो मंजिल है इसके सिलसिले में चंद बातें अर्ज की तफसील से। इस वक्त सफर मेराज की दूसरी मंजिल के मुतालिक चंद बातें अर्ज करना। पिछले जुमा में ये बात बताई गई कि सफर मेराज की पहली मंजिल मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तलक का जो सफर था बुराक नामी सवारी के जरिए ये तय किया। अब मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तलक और उसके ऊपर तलक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह तशरीफ ले गए, तो इस सिलसिले में रिवायात में ये बातें मिलती हैं। एक बात तो मिन जुमलाओं में से ये लिखी कि बुराक नामी सवारी के जरिए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तलक जो पहुंचे उसी बुराक नामी सवारी के जरिए मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तलक पहुंचे। समझना आसान है, जदीद दौर में तेज रफ्तार लिफ्टें वजूद में आ गई। तेज रफ्तार लिफ्टें जो इजाद कर ली गई जिसके जरिए इंसानों का बआसानी ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर। बहरहाल एक बात ये लिखी, दूसरी बात ये लिखी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते एक सीढ़ी लाई गई, बहिश्ती सीढ़ी यानी कि जन्नत से एक सीढ़ी लाई गई जिसके जरिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तलक पहुंचे। जबकि एक रिवायत में एक बात मिलती है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरे सामने एक सीढ़ी लाई गई जन्नतुल फिरदौस से जिसका एक डंडा सोने का था, दूसरा डंडा चांदी का था और आजू बाजू सुर्ख याकूत सुबह, दाहिनी तरफ फरिश्ते बाईं तरफ फरिश्ते। उसके जरिए फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिदरतुल मुंतहा तलक पहुंचे। जबकि एक रिवायत में ये बात मिलती है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तलक बुराक के जरिए पहुंचे, फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों तलक फरिश्तों के बाजुओं के जरिए पहुंचे, फिर आसमानों से सिदरा तलक हजरत जिब्राइल के बाजुओं के जरिए पहुंचे, फिर सिदरा से अर्श तलक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रफरफ शरीफ के जरिए पहुंचे। और नुज़ूल भी इसी तरह हुआ यानी कि जिस तरह चले जिन जराए के जरिए इन्हीं जराए के जरिए ऊपर से नीचे उतरे। बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज्यादातर रुझान इस बात की तरफ है कि आपके वास्ते एक सीढ़ी कायम की गई, जैसा कि रिवायत के जरिए बात बताई कि जिसका एक डंडा सोने का एक डंडा चांदी का। दोनों मुताला
एक अजीब रिवायत भाग लगी। ये आखिरी रिवायत जो बयान की कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक नामी सवारी के जरिए मस्जिद हराम से मस्जिद अकसा तलक पहुंचे, इस रिवायत के तहत लिखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पर सवार होने से पहले जरा तवक्कुफ करते, यानी कि बुराक सवारी पर सवार नहीं होते, ठहर जाते हैं। जिब्राइल साथ में थे, जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी सवारी आपके लिए मौजूद है, आपको सवार होना है तो आप सवार हो जाए। तवक्कुफ की वजह क्या, यानी आप ठहरे हुए हैं सवार नहीं होते तो इसकी वजह क्या। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि जिब्राइल आज मेरे वास्ते नवाजिजाज और इकरामात का वक्त है कि मेरे वास्ते फरिश्ते भी हाजिर हैं, मेरे वास्ते बुराक सवारी भी मौजूद है जिस पर मुझे सवार होना, पर मैं ये सोच रहा हूं कि मैदान माशर में मेरी उम्मत पुल सिराक के रास्ते पर कैसे सवार होगी, पुल सिराक के रास्ते को मेरी उम्मत किस तरह पार करेगी। मैदान माशर में दिन आवेगा 50,000 साल का दिन, और ये पुल सिराक का रास्ता बाल से बारीक तलवार की धार से तेज, इस रास्ते को मेरी उम्मत किस तरह पार करेगी। जबकि कुरान पाक में अल्लाह ने अपना हतमी फैसला भी बताया कि वहीं मिनकुम इल्ला वालिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया, कि पुल सिराक का रास्ता हरेक को पार करना है, ये आपके रब का हतमी फैसला। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस सवारी पर सवार होकर मैं रास्ता पार कर लूंगा, पर मेरी उम्मत पुल सिराक का रास्ता कैसे पार करेगी। इस पर जिब्राइल भी कुछ नहीं बोले। लिखा है कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि मेरे महबूब तू अपनी सवारी पर सवार हो जा और अपना रास्ता पार कर ले, अपनी उम्मत के सिलसिले में बिल्कुल फिक्र ना करे, बेफिक्र हो जाए, मैं आपकी उम्मत को इस रास्ते से इस तरह पार कर दूंगा कि इन्हें बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। मालूम हुआ कि जिस तरह अल्लाह के नजदीक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम महबूब है, उम्मत मुहम्मदिया भी महबूब है। आपका अल्लाह के नजदीक एक मकाम है, तो आपकी उम्मत का भी यानी हमारा भी एक मकाम है। पुल सिराक का रास्ता अल्लाह इस तरह पार करा देगा कि पता भी नहीं चले। पुल सिराक के रास्ते को बिजली की तरह पार करने के वास्ते एक अमल निहायत अहम जरूरी अमल और बड़ा आसान अमल है, बावजूद इसके कोसों दूर है इस अमल से। उम्मत का यूं समझो 75 से 80% तबका इससे दूर है इस अमल से। हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन हाफ़ज़ा अस्सलाह अकरमहु अल्लाह बिख़म्स ख़िसाल يرفعوا عن رزق المور وعذاب القبر ويؤتيه الله كتابه بيمينه ويمر على الصراط كالبرق ويدخل الله الجنة بغير حساب। कि जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेगा अल्लाह ताला बतौर इनाम के 5 चीजें उसको देगा। मिन जुमला उनमें से एक ये يرفعوا عن رزق المور, मौत की शक्ति से अल्लाह उसको बचाएगा। पंचगाना नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ने पर आदमी मौत की शक्ति से बचता, वाजाबुल कबर अजाब कबर से भी अल्लाह उसको महफूज रखेगा, वो योती इल्लाहु किताबहु बियमीनी नामाए अमाल अल्लाह उसको दाने हाथ में देगा, वो यमुरु अला सिरातिकल बर्क और पुल सिरात के रास्ते से अल्लाह उसको बिजली की तरह पार कर देगा और जन्नत में बगैर हिसाब किताब के उसको दाखिल कर देगा। देखो मुख्तसर अमल है, निहायत अहम जरूरी अमल है, फर्ज के दर्जे में है। अगर पंचगाना नमाज किसी के पास किसी की जिंदगी में निकल आई तो कहा कि पुल सिराक का रास्ता इसके जरिए भी पार हो सकता है। अल्लाह हमें पंचगाना नमाज की पाबंदी की तौफीक नसीब फरमाए।
तो नबी पाक अलैहिस्सलाम सीरी के जरिए आसमानों तलक पहुंचे। आसमानों तलक पहुंचने के बाद हजरत जिब्राइल अमीन ने आसमान का वो दरवाजा आपके लिए खुलवाया जो आपके लिए स्पेशल बनाया गया था। आप अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस दरवाजा जो अब तक खुला नहीं था और बाद में खुलेगा भी नहीं, वो मखसूस दरवाजा आपके लिए अल्लाह ने बनवाया था, उस दरवाजे को जिब्राइल खुलवाया। बाकी जन्नत आसमान के तो बेशुमार दरवाजे, रिज़्क के उतरने का दरवाजा, आमाल के चलने का दरवाजा, फैसलों के उतरने का दरवाजा, फरिश्तों के आने जाने का दरवाजा वगैरह वगैरह, पर ये दरवाजा स्पेशल आपके लिए बनवाया गया था। बहरहाल उस दरवाजे पर जिब्राइल आपको लेकर पहुंचे और वो दरवाजा खुलवाया। दरवाजे पर दरबान खड़ा था, दरबान ने जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल यहाँ कहा, ये दरवाजा तेरे लिए तो है नहीं, इस दरवाजे से तो काय को दाखिल होता, तेरे लिए दूसरा दरवाजा है, जो तेरा दरवाजा है उस दरवाजे पर जाना। तो जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया कि भाई जिसके लिए ये दरवाजा बनाया गया है ये मेरे साथ है, अब वो हस्ती जिसके लिए ये दरवाजा बनाया गया जब मेरे साथ हो वो हस्ती तो जिब्राइल को ना चले मस्ती। बोलते बोल जिब्राइल अमीन नबी पाक अलैहिस्सलाम को लेकर उस दरवाजे से दाखिल हुए। आप अलैहिस्सलाम का उस दरवाजे से दाखिल होना ही था कि फरिश्तों में कोहराम मच गया, शोर बरपा हो गया, तमाम के तमाम फरिश्ते आपके तरफ लग के आपके इस्तकबाल के लिए मरहबा मरहबा की गूंज उठी एक सदा। आप अलैहिस्सलाम को हर फरिश्ता मरहबा के जरिए वेलकम कह रहा है और तमाम फरिश्तों ने एक जबान होकर ये बात कही कि आने वाला सबसे बेहतरीन है। फिर आप अलैहिस्सलाम एक के बाद दीगरे आसमानों को पार करते गए। रिवायत में एक बात ये मिलती है कि हर हर आसमान में मुकर्रम बरगुजीदा नबी से मुलाकात कराई गई, जिस मुलाकात का एक बहुत बड़ा राज था। इख्तिसार के साथ अर्ज करता चलो, पहले आसमान पर हजरत आदम से मुलाकात हुई। हजरत आदम से मुलाकात इसलिए करवाई कि इशारा इस बात की तरफ था कि हजरत आदम ने जन्नत से जमीन की तरफ हिजरत की तो आपको भी हिजरत करना पड़ेगा, जैसा कि आपने मक्का से मदीना की हिजरत की, इशारा करता चल। दूसरे आसमान पर आपकी मुलाकात हुई हजरत ईसा से। हजरत ईसा से मुलाकात के में ये इशारा इस बात की तरफ था कि हजरत ईसा का जमाना आपसे करीब था, और चूंकि हजरत ईसा को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया है, कुर्बे कयामत के अलामत में से है कि जो हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे दज्जाल को कतल करेंगे, तो इस बात की तरफ इशारा था। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ से मुलाकात कराई गई, जिसमें इशारा इस बात की तरफ था कि जिस तरह यूसुफ के सबके भाई यूसुफ के दुश्मन बने, इसी तरह आपके बिरादरी के लोग कुरैश का कबीला आपके दुश्मन बनेंगे। हजरत यूसुफ को इनके भाइयों ने सताया, कुरैश आपको सताएंगे। हजरत यूसुफ के सामने फिर भाइयों ने माथा झुकाया, सर झुकाया, इसी तरह वो भी आपके सामने माथा झुकाएंगे। फतेह मक्का के मौके पर तमाम के तमाम लोग आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, तमाम ने माथा झुकाया, और फिर यूसुफ ने जिस तरह अपने भाइयों को माफ किया आप भी ने इस तरह माफ करेंगे। शेर की किताब में बताती है कि 23 साल का अरसा जिन्होंने तकलीफ दी, 23 साल तक तकलीफें दी, इजाए पहुंचाई, इन तमाम को हुजूर ने ये कहकर कि ला तशरीफ अलैकुम अल्यौम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, यग़फिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, ये कहकर तमाम को माफ कर दिया।
चौथे आसमान पर हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, इसमें इशारा इस बात की तरफ था कि हजरत इदरीस ने जिस तरह सलातीन बादशाहों को खत लिख कर इस्लाम की दावत दी, इसी तरह आप भी खतों की दावत के जरिए सलातीन बादशाहों को जो है दावत देंगे। सीरत की किताबें बताती है आपने नजाशी बादशाह को भी खत के जरिए इस्लाम की दावत दी, किसरा को भी और जो है हिरकल को भी और जो है अमीर खुसरो को भी दावत दी, बादशाहों को आप अलैहिस्सलाम ने खत के जरिए इस्लाम की दावत दी। पांचवें आसमान पर मुलाकात कराई गई हजरत मूसा से, इसमें इशारा इस बात की तरफ था कि जिस तरह हजरत मूसा ने जब जब्बारीन से किताल किया, जिहाद किया, आप भी किताल करोगे, आपको भी जिहाद करना होगा। असियर की किताबों में ये बात मिलती है, आपने भी किताल किया कैरों से और आपने भी जो है इनसे जिहाद किया। छठे आसमान पर मुलाकात कराई गई हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, हजरत हारून से मुलाकात में इशारा इस बात की तरफ था कि हारून अलैहिस्सलाम की कौम जिस तरह गैरों को पूजने लगी, कुरैश भी गैरों को, कुफारे मक्का भी गैरों को पूजेंगे, इशारा इस बात की तरफ था। सातवें आसमान पर मुलाकात कराई गई हजरत इब्राहिम से, इसमें इशारा इस बात की तरफ था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का समरा है आप अलैहिस्सलाम, बाकायदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी को मांगा है अपने दामन को पसार करके रसूल मिन हो, तो इशारा इस बात की तरफ था। और इस सिलसिले में अजीब रिवायत मिलती है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लकीतु इब्राहिम लैलतुल कुसरी भी, मेरी मुलाकात हुई शबे मेराज में हजरत इब्राहिम से, फकाल इब्राहिम इकरा या मोहम्मद उम्मक मिन्नी अस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मोहम्मद तो तेरी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कह दे। नबियों ने हमें सलाम भेजा जिसको हम बोले हुए, हजरत इब्राहिम ने कहा मोहम्मद तो तेरी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम पेश कर देना, और एक अजीब बात ये बतला देना कि इन्नल जन्नत तय्यिबतु तुर्बति वाज़बुल मा, कि जन्नत की जो माटी है ना वो बड़ी अच्छी माटी है, उम्दा माटी है, और उसका जो पानी है ना वो बड़ा मीठा पानी है, वही आपके आन, लेकिन वो जो है चबियल मैदान है, वहां पर कुछ है नहीं। और इन गिरासहा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अपने उम्मत को बता देना कि वहां के जो दरख्त है वो सुभान अल्लाह है, जो सुभान अल्लाह कहेगा वहां उसके लिए दरख्त उग जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जो कहेगा एक दरख्त वहां पर उसके लिए उग जाएगा, तो वहां के जो पौधे हैं दरख्त हैं ये तस्बीहात है। बहरहाल ये सातों आसमान पर मुलाकातों में ये रास्ता, बहरहाल सातों आसमान को आप अलैहिस्सलाम पार कर चुके। सातों आसमानों को पार करने के बाद मैंने रिवायत के जरिए एक बात ये बताई कि रफरफ शरीफ के जरिए आप अलैहिस्सलाम अब ऊपर जाते हैं, बहरहाल जिब्राइल अमीन साथ में थे। एक रिवायत में ये बात आई कि जिब्राइल अमीन के बाजुओं के जरिए आप जो है सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा जो है ये बेरी के दरख्त के मुशाबे एक नूर का दरख्त है जिसके ऊपर ला तादाद पत्ते हैं और हर पत्ते पर अनवारात इलाही तजल्लियात इलाही झलक रहे हैं, और लिखा है कि हर पत्ते पर एक फरिश्ता मौजूद था जो नबी पाक अलैहि सलाम की जियारत के वास्ते आया था। हर नबी ने हर फरिश्ते ने आपकी जियारत की। बहरहाल ये सिदरतुल मुंतहा जिब्राइल की कयामगाह, हजरत जिब्राइल आपको वहां तक लेकर पहुंचे, उसके बाद जिब्राइल ने साथ छोड़ दिया, बात लेना खास था, दिल तो नहीं चाहता था कि आपका साथ छोड़े, पर छोड़ दिया। आप अलैहिस्सलाम से जिब्राइल ने कहा कि जाओ मोहम्मद, जहां तलक मुझे आना था मैं आ गया, अब आपको अकेले जाना है। तो आपने फरमाया कि कोई मुहिम भला आदमी महबूब का साथ छोड़ता है? कहा नहीं छोड़ता, मैं भी छोड़ना नहीं चाहता, मैं मजबूर हूं। अब यहां से नोक के पोरवे के बराबर, बाल के जर्रा बाल के बराबर भी मैंने कदम बढ़ाया तो जलाले खुदा से मैं जलकर राख हो जाऊंगा, अब मेरी हिम्मत नहीं, आप अकेले जाओ। कहा ठीक है,
साथ में नहीं आता तो हल्लक हाजतुन या जिब्रील, कोई जरूरत हो तो बता दे, शायद मेरे जरिए तेरा काम हो जाए। तो हजरत जिब्रील ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, एक छोटी सी दरखास्त है, पेश कर देना, बता दे क्या है। कहा कि अल्लाह के दरबार में अर्ज करना, ऐ मोहम्मद अब तो महबूबे कुल है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन मेरे बाजुओं को कुशादा कर दे। अरे भला 600 बाजू है और एक बाजू की कुशाद की हदीस में ये बात मिलती है कि फर्श से पूरी उम्मत को उठावे और अर्श तलक ले जावे, वहां से औंधा मुंह गिरावे, कितनी कुशाद की एक बाजू पर 600 बाजू इस तरह के। तो आप सलातो सलाम ने कहा, भला तू अपने बाजुओं में कुशादगी क्यों चाहता है, जब तेरी ये दरखास्त में पेश कर दूंगा, पर ये कुशादगी क्यों चाहता है। जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के महबूब मैं मेरे बाजुओं पर कुशादगी इस वास्ते चाहता हूँ कि कल कयामत के दिन पुल सिराम के रस्ते पर आपकी उम्मत को बाजुओं पर सवार करके आपकी उम्मत को पुल सिराम का रास्ता पार करा दूं। हमारे नबी की मोहब्बत की निस्बत से फरिश्तों को भी हमसे मोहब्बत है। जिब्राइल अमीन ने कहा, बस बाजुओं में कुशादगी इस वास्ते चाहता हूँ, हालांकि इन बाजुओं में कुशादगी से जिब्राइल का कोई फायदा होने वाला नहीं था, पर ये दरख्वास्त इन्होंने क्यों करी। रिवायत में ये बात मिलती है, जिब्राइल ने वास्ते इसके ये दरख्वास्त करी कि वो जानते थे कि मोहम्मद जो है ना अल्लाह के महबूब है। जिस तरह मोहम्मद अल्लाह के महबूब है, मोहम्मद की उम्मत भी अल्लाह की महबूब है, और जिस तरह मोहम्मद अल्लाह के दुलारे हैं, इसी तरह उम्मत मोहम्मदिया भी अल्लाह की दुलारी है के, और जिस तरह मोहम्मद अल्लाह के प्यारे हैं, उम्मत मोहम्मदिया भी अल्लाह की प्यारी है। ये दरख्वास्त इस वास्ते करी कि इस प्यारी उम्मत को बाजुओं पर सवार कर लूंगा तो मोहम्मद खुश हो जाएगा, मोहम्मद खुश हो जाएगा तो अल्लाह खुश हो जाएगा, जब अल्लाह खुश हो जाएगा तो अल्लाह मिल जाएगा। ये गरज थी कि बाकी ने कोई जरूरत नहीं थी। यहां तक की बात है, वक्त के खत्म पर अर्ज की, अल्लाह तबारक व तआला इन बातों के जरिए मालूम हुआ हमारा एक मकाम है अल्लाह के नजदीक। अल्लाह हमें सही मानों में हमारा मकाम समझा दे ताकि जिंदगी गुजारना फिर उस हिसाब से आसान हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला शायद हो मकाम को मद्देनजर रखते हुए उसके तमाम हुक्मों पर, उसके महबूब की महबूब सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमावे। बद्दी बाग की माँ बहनों के वास्ते तालीम का दिन है, फिक्र के साथ माए और बहने तालीम वक्त वक्त पर पहुँचने की फिक्र करें।